बिहार के मुंगेर जिले के धरहरा प्रखंड में संसाधनों के अभाव से जूझ रहा है बालिका उच्च विद्यालय फुलका। वहीं के शिक्षक अभय सिंह का कहना है कि हमारे विद्यालय में शिक्षक 8 हैं और छात्राओं की संख्या लगभग 250-300 के हैं और इस विद्यालय में भवन काफ़ी जर्जर है और खिड़कियां दरवाजे भी काफ़ी टूटी फूटी सी है। हमारे पास विद्यार्थी है लेकिन उसके लिए मतलब जो हमको मतलब जो सुविधा होना चाहिए जो सरकारी सुविधा होता है वित्तीय सहायता बिल्डिंग के लिए, जैसे ये हम लोग के लिए जहाँ जो भी टूटा फूटा मरम्मती दरवाज़ा वगैरह इस सब के लिए हम लोग को सुविधा होना चाहिए। हम लोग यही सरकार से हम लोग भी मांग कर रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ अच्छी ये नहीं हुआ। आंदोलन भी करते हैं लेकिन आज तक कोई ऐसा सर मतलब कुछ मतलब नज़रअंदाज करके चल रहा है। इसी विद्यालय की छात्रा नैन्सी गुप्ता का कहना है कि भवन है पर जर्जर है, जिसमें कि बरसात के मौसम में जब हम लोग क्लास में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो जब बारिश पड़ती है तो दीवारों और छतों से पानी ठप ठप चूते हैं और हम लोगों को पढ़ाई करने में काफ़ी मुश्किल होती है। यहाँ तक कि चापा नल भी नहीं है हमारे विद्यालय में, एक है भी तो काफ़ी समय से खराब पड़े हुए हैं। इस कारण हम लोग काफ़ी दूर दूर तक पानी पीने के लिए जाते हैं, जिससे कि हमें पढ़ाई में बहुत मुश्किल आती है, हम लोग की पढ़ाई छूट जाती है। हम लोग को एक भवन चाहिए बढ़िया सा, जिसमें हम अच्छे से पढ़ाई कर सकें। छत से पानी नहीं गिरना चाहिए, बाउंड्री रहना चाहिए। चापा नल है मगर उससे गंदा पानी निकलता है, हम लोग पानी पी नहीं सकते हैं। पानी पीने के लिए हमको बहुत दूर जाना पड़ता है। 2008 में 1,30,000 और 2009 में 4,50,000 के लगभग अनुदान राशि मिली है। तब से लेकर आज तक कोई अनुदान राशि नहीं मिली है, जिस कारण कि हमारे विद्यालय की स्थिति काफ़ी दयनीय है। जितना बार अनुदान मतलब मिलता है उसका ब्यौरा दीजिए, हम लोग अकाउंटेंट ऑफिसर से बना करके हम दे देते हैं जी। हम लोग जमा कर दिए ऑफिस जमा कर दिए। फिर उसके बाद आपको क्या उधर से जवाब मिला? अभी कोई जवाब नहीं मिला। कितने दिन पहले दिए थे? करीब हो गया 6-7 महीना। तो इसका कोई सीमा है क्या कि फिर आपको कब अनुदान मिलेगा? कोई सीमा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि इस वित्तरहित विद्यालय को भी जल्द से जल्द सरकारी विद्यालय में शामिल किया जाए, ताकि यहाँ के शिक्षक और छात्राओं को सारी सुविधाएं मिल सके। इसके लिए आप जिला शिक्षा पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार DEO के इस नंबर पर कॉल कर उन पर दबाव बनाएं और हमारी मदद करें। नंबर है 9234337140। मैं मुंगेर बिहार से शीला शेख, इंडिया अनहर्ड के लिए।